हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ बील के शरबत और शेक की रेसिपी। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का बील लिया है, जिसे तोड़कर मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसे हाथ से अच्छे से मसलकर मैं इसके सारे बीज और रेशे अलग कर लूँगी। थोड़ा सा पानी मिलाकर और अच्छे से मसल लेंगे। देखिए, इसके सारे बीज और रेशे अलग हो चुके हैं। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर सारा पल्प अलग कर लेंगे। देखिए, शरबत लगभग तैयार हो चुका है। अब इसे इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। अगर आप शुगर नहीं लेना चाहते हैं तो मत डालिए। शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 गिलास में आइस क्यूब डालकर उस गिलास में आधा शरबत और आधा चिल्ड पानी मिलाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा व्हील शरबत। इसे पीने से बहुत ठंडक मिलती है। चलिए अब हम शेक तैयार करते हैं। शेक के लिए 1 जार में 1 गिलास के लगभग पल्प ऐड करेंगे और साथ ही 8 से 10 दूध के आइसक्रीम डालेंगे और साथ में ही 2 चम्मच शुगर ऐड कर लेंगे और ग्राइंड करेंगे इसको। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध के आइस क्यूब डालने से क्या होगा कि शेक हमारा पतला नहीं होगा और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आता है। किसी भी शेक में आइसक्रीम की जगह पर आप आइस क्यूब यूज़ करके देखिए, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यहाँ हमारा शेक भी तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़े से बादाम लगा देते हैं, जिससे शेक और भी सुंदर दिखेगा। तैयार है हमारा समर ड्रिंक। आप बनाइए और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।